मूवी शुरू होती है जब अर्थ पर डायनासोर का राज हुआ करता था। फिर हमारे अर्थ से एक बड़ा सा प्लेनेट आकर टकराया, जिसकी वजह से सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। पर इस घटना के दौरान गुफा में रहने वाले कुछ आदि मानव किसी तरह सरवाइव कर लेते हैं और उसके बाद उनकी नज़र एक लाल रंग के चमकते हुए गोल आकार के एस्ट्रॉइड के टुकड़े पर पड़ती है। वो उसके नजदीक जाकर उसे हाथ में उठा लेते हैं, पर वो टुकड़ा बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से वो उसे एक दूसरे को पास करने लगते हैं और इसमें उन्हें बड़ा मजा आता है और वो खेल खेल में फुटबॉल गेम का आरंभ कर देते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बहुत सालों के बाद किस्मै को दिखाया जाता है। यहाँ पर गुफा में रहने वाले आदि मानव अब लाखों सालों के बाद अपना ही एक अलग अस्तित्व बना लेते हैं और अब हमारे प्यारे डग्गू को दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं आदि मानवों का वंशज था। डग्गू के साथ उसका पैर दोस्त बग्गू भी होता है और इन दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल की होती है। फिर एक दिन डग्गू अपने कबीले के चीफ बॉबनर से कहता है कि हमें खरगोश के अलावा बड़े जानवरों का भी शिकार करना चाहिए, पर बॉबनर उसे पुरानी फोटोज को दिखाता है और बताता है कि हमारे पूर्वजों ने कभी भी बड़े जानवरों का शिकार नहीं किया और वो लोग तो सिर्फ एक तरह के राउंड बीस्ट का शिकार ही किया करते थे। ये सुनकर बग्गू चुप हो जाता है। इसके बाद वो सब अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, जहां वो एक खरगोश को पकड़ लेते हैं। फिर रात में वो सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, पर तभी वहां पर एक बड़ा सा हाथी आ जाता है, जिसे देखकर वो सारे आदिवासी पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। पर डग्गू का दोस्त बग्गू वहीं रह जाता है, जिसे बचाने के लिए डग्गू भी वहीं रहने का डिसाइड करता है। तभी उस बड़े से हाथी से लॉर्ड नूत नाम का एक आदमी उतरता है, जो कि एक बड़े से राज्य से वहां आया था, क्योंकि हमारा डग्गू तो जंगलों के बीच में एक छोटी सी वैली में रहता था। वो आदमी वहाँ पर एक तरह की धातु का पता करने आया था, जिसकी मदद से वो अपने हथियार, बर्तन, जेवर और भी बहुत सारी चीजें बनाते थे, जिसके बाद वो वहाँ पर माइनिंग करने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही वहाँ पर रह रहे आदिवासियों को भी वहाँ से भगाने को कहता है। उसकी ये बात डग्गू सुन लेता है, जिससे हमारे डग्गू का खून खौलने लगता है कि अच्छा तुम हमें यहाँ से भगाओगे, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। और डग्गू नूट पर हमला कर देता है और धड़ाम से सीधा जाकर नूट के सैनिक के रथ में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता और नूत अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य की ओर लौट जाता है। अब डग्गू की आँख खुलती है और वो खुद को एक बड़े से राज्य में पाता है और तभी राज्य का मेन गेट भी बंद हो जाता है, जिससे डग्गू वहीं पर फंस जाता है। इतना बड़ा राज्य देखकर डग्गू की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। तभी डग्गू लोगों की भीड़ के साथ एक स्टेडियम के बाहर पहुंच जाता है। वहां सभी लोग कॉइन्स देखकर स्टेडियम के अंदर जा रहे थे, पर डग्गू के पास तो कॉइन्स नहीं थे, इसलिए वो चुपके से अंदर घुस जाता है। पर कुछ सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। किसी तरह डग्गू बचता बचाता एक फुटबॉल प्लेयर के पास पहुंचता है और उसकी ड्रेस पहन लेता है। तभी अदर फुटबॉल प्लेयर वहां आकर उसे अपने साथ प्लेग्राउंड पर ले जाते हैं। वहां इतने सारे लोगों को देखकर डग्गू की तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वही नूत सभी प्लेयर्स को मैच शुरू करने का आदेश देता है, पर डग्गू ने तो कभी भी फुटबॉल नहीं खेला था, पर फिर भी डग्गू खेलने की कोशिश करता है और तभी धम से आकर फुटबॉल डग्गू के सर पर लग जाती है और डग्गू को दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। साथ ही उसे बॉबनर की दिखाई हुई पेंटिंग्स भी याद आती है और डग्गू उछलकर फुटबॉल को जोर से किक करता है, पर ये क्या, जोश में आकर डग्गू गलत गोले में गोल कर देता है और सब उसकी असलियत जान जाते हैं। लॉर्ड नूत उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो आदिवासियों से नफरत करता था, पर डग्गू उससे कहता है कि तुमने हमारा घर हमसे छीन लिया है। तब नूत उससे कहता है कि तुम्हारे जैसों का कोई घर नहीं होता और अपनी सेना को उसे मार डालने का आदेश देता है और गेम को फिर से शुरू करने को कहता है। पर तभी हमारा डग्गू एक हीरो की तरह नूत को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हारी फुटबॉल टीम को हरा सकता हूँ और अगर हम जीत गए तो तुम्हें हमारी वैली को हमें लौटाना पड़ेगा और अगर हम हारते हैं तो हम खुद ही आकर तुम्हारी माइंड में काम करेंगे। वही नूत उसकी ये बात सुनकर उस पर जोर जोर से हंसता है और डग्गू को हल्के में लेकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के आदिवासी डग्गू को खो देने की वजह से दुखी होते हैं, पर तभी हमारा डग्गू हाथ में फुटबॉल लेकर मटकता हुआ वहां आ जाता है। सभी लोग डग्गू को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे फुटबॉल के बारे में पूछते हैं, जिस पर डग्गू उन्हें सारी बात बताता है। डग्गू की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तो कभी भी इसे नहीं खेला है, आखिर हम उन चैंपियंस को कैसे हरा पाएगी। तब डग्गू ने बताता है कि जो भी पुरानी पेंटिंग्स हमारी वैली में है वो सब हमारे पूर्वजों की फुटबॉल खेलने की ही पेंटिंग्स है, यानी कि वो लोग इस खेल को बहुत पहले से खेलते थे।
और डग्गू के बहुत कहने पर सब फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद डग्गू उन सबको फुटबॉल गेम के रूल समझाता है, पर वो सब उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नूत पूरे कॉन्फिडेंस में होता है कि जीतेगी तो उसकी ही फुटबॉल टीम। तभी वहाँ पर नूत की क्वीन ओफिफा का भेजा हुआ मैसेज बर्ड आ जाता है, जो कि मैसेज को बिल्कुल वैसे ही दिया करता है जैसे उसे बताया गया हो। जिसके मैसेज से नूत को पता चल जाता है कि क्वीन ओफिफा उससे बहुत नाराज है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी टीम हारे और प्रजा में उनकी बदनामी हो, और वो नूत को उन सब आदिवासियों को कम समझने की गलती ना करने को भी कहती है। पर नूत कहाँ किसी की सुनता था, वो उनके इस मैसेज को इग्नोर कर देता है। वही डग्गू अपनी टीम को खेल सिखा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा डक आ जाता है और फुटबॉल को कुचल देता है, जिससे डग्गू उदास हो जाता है। पर डग्गू हार नहीं मानता और राज्य में जाकर फिर से फुटबॉल लाने का डिसाइड करता है। वहाँ पर उसे फुटबॉल ग्राउंड में डग्गू मिलती है, जो कि फुटबॉल खेल रही होती है। वो डग्गू को देख लेती है। डग्गू डग्गू से पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। डग्गू उसे बताता है कि उसे कुछ फुटबॉल चाहिए। तब डग्गू उसे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे फुटबॉल थे। फिर वो उसे फुटबॉल दे देती है, पर तभी उन्हें कुछ सैनिक देख लेते हैं। वहाँ डग्गू डग्गू की वहाँ से भागने में मदद करती है और उसके साथ उसकी वैली में आ जाती है। वहाँ पर वो सभी आदिवासियों को बताती है कि उनका कॉम्पिटिशन बहुत बड़े चैंपियंस के साथ है, और डग्गू और डग्गू उन सबको मोटिवेट भी करते हैं, जिसके बाद वो सब प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वहीं नूत को पता चलता है कि वो सब आदिवासी बहुत सालों पहले से फुटबॉल गेम खेलते आ रहे हैं, और उसे ये भी पता चलता है कि वो सभी बहुत अच्छे से फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ डग्गू और उसके साथी अब अच्छे से फुटबॉल खेलने लगते हैं, पर तभी नूत के सैनिक डग्गू को चुपके से किडनैप कर लेते हैं और उसे माइंड में ले जाते हैं। वहाँ नूत उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम सभी अपने पूर्वजों की तरह अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हो, और वो डग्गू को केव में बनी पेंटिंग्स भी दिखाता है, और वो उसे बताता है कि इस खेल की शुरुआत भी तुम्हारे ही पूर्वजों ने की थी, पर वो कभी भी फुटबॉल मैच नहीं जीत पाए। यहाँ पर नूत डग्गू का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहता था और वो उसे लूजर भी कहता है। नूत की बातें सुनकर डग्गू के मन में ख्याल आने लगता है कि अगर वो हार गए तो उसकी वजह से उसके सभी साथियों को माइन में काम करना पड़ेगा। ये सोचकर डग्गू उनके पास चला जाता है। अब फाइनली फुटबॉल कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है, जहाँ पर क्वीन ओफिफा भी मैच को देखने आती है। डग्गू वहाँ आकर बोलता है कि वो हार मानता है और अपने साथियों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बदले वो खुद पूरी जिंदगी उनकी माइंड में काम करने का वादा करता है। और ये सब बातें नूत ने ही उसे बोलने को कही थी, पर तभी डग्गू के सारे दोस्त एक बड़े से डक पर बैठकर वहाँ आ जाते हैं। डग्गू बॉबनर से कहता है कि हम ये मैच नहीं जीत सकते। तब बॉबनर डग्गू को कहता है कि तुम हार कैसे मान सकते हो, तुमने ही तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाया है, जिससे डग्गू में फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है और डग्गू फिर से नूत को चैलेंज करता है, जिसके बाद गेम शुरू होती है। पहले तो नूत के प्लेयर्स उन्हें बहुत सख्त कॉम्पिटिशन देते हैं, पर बाद में डग्गू की टीम गेम में अच्छी वापसी करती है, जिससे नूत घबरा जाता है और चीटिंग करने के लिए खुद ही गेम का रेफरी बन जाता है और चीटिंग करना शुरू कर देता है। वही लास्ट राउंड में बॉबनर घायल हो जाता है, और अब डग्गू की टीम को भी जीतने के लिए सिर्फ एक ही गोल चाहिए था, और यहाँ पर डग्गू की टीम एक गोल से आगे होती है। तब डग्गू अपने दोस्त पैट बग्गू को बॉबनर की जगह ले आता है और बग्गू आखिरी गोल को होने से रोक देता है, जिससे वो जीत जाते हैं। वही क्वीन ओफिफा भी उनकी गेम को देखकर उनकी तारीफ करती है। अब नूत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सैनिक उसे देख लेते हैं। क्वीन ओफिफा डग्गू और उसकी टीम को ट्रॉफी देती है और उनकी वैली भी उन्हें लौटा देती है, जिससे वो सब बहुत खुश होते हैं और अपनी वैली में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।